कश्मीर में टारगेट किलिंग्स अभी भी नहीं थम रही है। 2 जून से होने वाली टारगेट किलिंग्स, जिसमें सबसे पहले यहां पर राजस्थान के एक बैंक मैनेजर को उलगाम में मारा गया था, उसके बाद यहां पर एक कड़ी सी चली जिसमें नॉन लोकल्स को अब निशाना बनाया जा रहा है। कौन है ये लोग जो नॉन लोकल्स को टारगेट करते हैं और यहां पर आए दिन कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है। उसमें अगर देखेंगे तो अजीत डोवल के साथ जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने भी एक रिव्यू मीटिंग इससे पहले बुलाई थी जिसमें यहां पर इस पर डिस्कस भी किया गया था। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उन्होंने बताया था कि यहां पर लोग फियर में जी रहे हैं, और अगर यहां पर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उन्होंने मजीद कहा था कि यहां पर सिचुएशन 90 जैसी हो गई है। ये 90 दशक जो था वो मिलिटेंसी का पीक दौर हुआ करता था, लेकिन आज भी अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यहां पर अजस बांडीपोरा में एक नॉन लोकल को अभी गोलियों का निशाना बनाया गया है जिससे उसकी जान चली गई है। ये नॉन लोकल अमरेज के तौर पर इसकी पहचान हुई है और बिहार के रहने वाले हैं, जबकि बताया जाता है कि ये यहां पर मजदूरी करने के घर से आए थे। टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही है, टारगेट किलिंग्स कब तक जारी रहेगी, फिलहाल ये एक सवाल चिन्ह है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर ठोस इकदाम उठाए ताकि ये टारगेट किलिंग्स यहां पर बंद हो। दोस्त लाइव जेके न्यूज टुडे से।